बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं सुबह का नाश्ता जो है वो तैयार करने लगी हूँ, तो आज आप देखें हमारा नाश्ता कैसा होता है। डिफरेंट नाश्ता होता है बच्चों का, हर बच्चा जो है ना वो एग जो है वो अलग जो है वो पसंद करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें मैंने ये 1.5 टीस्पून मैंने पत्ती डाली है और 6 चम्मच जो है वो मैंने डाली है चीनी के, और 2-3 मैंने जो है ना इलायची डाली है वो मैंने ग्राइंड की हुई है, पत्ती में मैंने ग्राइंड करके डाल देती हूँ, तो दालचीनी भी जो है वो थोड़ी सी ग्राइंड करके डाल देती हूँ ताकि चाय का जायका जो है ना वो अच्छा बने। तो ये पानी को अभी बॉयल आने वाला है, अभी वो देखें ये बॉयल आ गया, तो इसमें हम ये चीनी पत्ती डालने लगे, कावा हम अच्छी तरह दम पे पकाएंगे। वह ये कावा हमारा जो है ये माशाल्लाह रेडी हो गया, ये देखें इसका कलर कितना अच्छा निकल आया। हम जितना इसको फेंटेंगे पकाएंगे तो ये इसका जायका उतना ही जायका अच्छा होता जाएगा। अभी आप इसमें हम दूध डालते हैं, तकरीबन मैंने 1/2 किलो दूध डाला है इसमें। अभी भाई एक एग लिए, इसमें मैं थोड़ी सी मिर्चें डालने लगी हूँ सबस, और अभी आप इसमें मैं ये 1 चुटकी नमक और 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने नमक मिर्चें डाली और थोड़ा सा धनिया खुश्क, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये चाय हमारी रेडी हो गई है, अब हमने इसकी थोड़ी बस झाग को ख़त्म करना है और फिर हम इसको थर्मास में डाल देंगे, क्योंकि हमने सबने मिल के बैठ के जो है नाश्ता करना होता है। फिर भाई ये हमने सिंपल पेड़े बना लिए जो हमने पराठा बनाना है, तो देखते हैं कि हमने इसको कैसे रेडी करना है। ये भी भाई इस शेप में मैंने रोटी को बेल लिया है, तकरीबन मैंने इतनी मोटी रखी है, इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। अब हम इस पर ऑयल लगाते हैं, शुरू करते हैं हम, ऐसे हमने इसको काट लिया। रखते हैं दूसरा कर लेते हैं।
ये के साथ ही हम एग बनाने लगे हैं। ये हमारा एक नाश्ता है, अभी मैं दूसरा रेडी करने लगी हूँ। ये हमारा दूसरा पराठा है। हम लोग ऑयल का ही खाते हैं, आप देसी घी का खाएं, मक्खन लगा के खाएं, ये जैसा भी है, तो हमारे घर में ऑयल ही यूज़ होता है। ये भी हमारा पराठा तैयार हो गया, अब हम इसको उतारते हैं। ये भी बराबर हमारा दूसरा अंडा। ये बराबर हमारा जो एग है ये तैयार हो गया, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर ये देखें, माशाल्लाह नाश्ता हमारा तैयार हो गया, आप भी करिए ऐसा नाश्ता। तो अब मैं चलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा ये शेयर नाश्ता कैसा लगा। ढेरों दुआओं के साथ खुदा हाफिज़। ये हमारा माशाल्लाह नाश्ता तैयार हो गया, ये दही है, साथ मैंने अचार रखा है, पराठा बनाया और ये एग। अगर आपको ये मेरा नाश्ता पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा ये नाश्ता कैसा लगा है। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे, दोबारा आऊंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत दुआओं के साथ खुदा हाफिज़।